देखो टॉपिक है इमोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी जो पढ़ रहे थे वो क्या फैराडे के लो ये पढ़े, फैराडे और लेंज ने क्या बताया। उसके बाद फैराडे इतना ही बता पाया था, लेंज इतना भी। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं यानी कि लेंज लो पे, फैराडे को अच्छे से एक्सप्लेन किसने करा था? लेंज ने। क्यों नेगेटिव साइन क्यों आया, किस तरीके से बैटरी लगी, ये किसने बताया? लेंस ने। अब जो है वो क्या है, इमोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि जो न्यू जनरेशन के साइंटिस्ट थे फैराडे के बाद, यानी कि उसके मान लो कि उसके चेले थे, उसके साथ काम करते थे फैराडे के साथ, यानी कि न्यू जनरेशन के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि फैराडे सही था, उसने बहुत कुछ बातें बताई, बट वो कुछ बातें नहीं बता पाया, उसने क्या मिस्टेक कर दी वो हम एक्सप्लेन करेंगे कि फैराडे ने जो बताया उसके बाद भी जो उसने बताया कि उसने क्या कहा कि क्लोज लूप होना चाहिए, फ्लक्स का इंक्रीज डिक्रीज होना चाहिए तो उसमें बैटरी लगेगी, इंड्यूस ईएमएफ आएगा उसकी वजह से करंट चलेगा। बट बाद में जो साइंटिस्ट आए, जो नई जनरेशन के साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बताया कि क्लोज लूप होना जरूरी नहीं है, एक कंडक्टिंग रोड भी ले लोगे तो भी उसमें बैटरी लगेगी। ठीक है, उस टॉपिक को नाम दिया इमोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि उन्होंने फर्दर और एक्सप्लेन कर दिया। वो फैराडे से कोई लेना देना नहीं था कि उसने कहा कि फैराडे ने जो बताया, पहले फैराडे को सोचो उसने क्या बताया, फिर लेंज को सोचो कि लेंज ने क्या बताया, फिर यानी कि दोनों को सोच के फिर क्वेश्चन करो। इसने कहा कि इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है ना फैराडे को सोचना, लेंज को सोचना, कुछ हट के बातें बताई उसने। उन्होंने कहा कि क्लोज लूप लेने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं देखना कि फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये हमें देखना नहीं है। क्लोज लूप अगर भी नहीं लोगे तो भी बैटरी लग जाएगी। जो पहले वाले क्वेश्चन थे वो इजी हो जाएंगे। कैसे? जो फैराडे लॉ ऑफ लेंज, वो तो अलग है। फिर उसने फैराडे लॉ को ही और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। अब ये वाला क्वेश्चन है जो अभी अभी करा है हमने, कि इस केस में क्या था कि किस डायरेक्शन में एजेंट का फोर्स लगेगा, उसने ये बताया कि पूरे लूप में बैटरी तो लगेगी, कहाँ लगेगी, कितने की लगेगी, ये नहीं बता पाया फैराडे। ये किसने बताया? जो नई जनरेशन के साइंटिस्ट आए उन्होंने बताया। तो उन्होंने एक अलग टॉपिक दे दिया उसको और ज़्यादा, जिसने क्या गलती, वो गलत नहीं था फैराडे, उसने ये नहीं कहा कि वो गलत है, वो गलत नहीं, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जो अभी नई जनरेशन के साइंटिस्ट आए, और कि क्या नहीं बता पाया वो बता दिया उन्होंने कि ऐसा भी हो सकता था। ये जब उसने ये वर्ड यूज़ करा कि क्लोज लूप होना चाहिए, तो ये वर्ड यूज ना करता तो सही था कि क्लोज लूप ना हो तो भी इंड्यूस ईएमएफ आ सकता है, उन्होंने ये बताया। उसने क्लोज लूप के लिए बोला था कि क्लोज लूप होगा तो ही क्या लगेगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, बट उन्होंने क्या कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लोज लूप हो तो ही क्या लगेगी, बैटरी लगेगी, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, करंट चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, इंड्यूस ईएमएफ क्लोज लूप ना हो तो भी आ सकता है, वो गलत नहीं है, वो अलग है। तो सोचते हैं कि फिर लेंस ने जो बताया तो उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, बट वो क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके सब्जेक्टिव में, अगर आप बोर्ड्स के पेपर देते हो वहाँ पे भी पूछ लेता है कि लेंस लो क्या था, फैराडे लॉज क्या है। पहले शुरुआत तो फैराडे ने की, उसके बाद जो आए उन्होंने और एक्सप्लेन कर दिया उसको डिटेल में, कि वो जो नहीं बता पाए उसने क्या गलती कर दी उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो अलग एक हटके कंसेप्ट दे दिया इसने उन्हें, इमोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर ये इमोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि ये कहाँ पे यूज होता है, जो मेटल डिटेक्टर होते हैं कि हमें मेटल डिटेक्ट करना है, मान लो कि कहीं पे भी हम खोज करते हैं कि यहाँ पे कुछ है या मेटल है या नहीं है जमीन में गड़ा, तो डिटेक्टर यूज करते हैं, तो वहाँ पे इस कंसेप्ट का यूज होता है। ठीक है, हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे है या नहीं है, रेड वगैरह पड़ती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं। अगर फैराडे नहीं होता तो ये होता ही नहीं, मतलब इमोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ ही नहीं आता फिर, तो वो नहीं होता तो यानी कि जितनी भी रेड पड़ती है वो नहीं पड़ती, ढूंढनी नहीं पड़ते, आधा ढूंढ पाते आधा ढूंढ नहीं पाते, दीवारों में कैसे ढूंढते फिर कि यहाँ पे है या नहीं है, तो उसी से ढूंढते हैं मेटल डिटेक्टर से। ठीक है, इसमें देखो फिर ये इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर में यूज होता है, तो वो नहीं होता, ये मतलब ये टॉपिक नहीं होता तो ट्रांसफार्मर कैसे होता, इमोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो कंसेप्ट है वो ट्रांसफार्मर में। ठीक है, कि किस तरीके से यूज होता है, क्या होती है, वो आगे पढ़ेंगे हम ट्रांसफार्मर जब पढ़ेंगे। ठीक है, हम देखो इसने उन्होंने क्या कहा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे एक कंडक्टिंग रोड ले ली, क्या ले ली, कंडक्टिंग रोड, ये क्या है, कंडक्टिंग रोड है। ठीक है, कंडक्टिंग रोड, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टिंग रोड को रख दिया, क्या ये कंडक्टिंग रोड,
और इसको वी की स्पीड से मूव करवा दिया। रेस्ट में नहीं रखने चाहिए, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक कंडक्टिंग रोड को वी की स्पीड से मूव करवा दिया, तो इसमें भी एक बैटरी लगेगी, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और उस इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू होगी ई इंड्यूस, जो आएगा वो होगी बी एल वी। क्या होगी? बी एल वी। इसमें ज़रूरी नहीं ये एक ऐसी बैटरी होगी जो कि किसकी तरह बिहेव करेगी, जिसके दोनों एंड्स क्या हैं? ओपन है। जिसके दोनों एंड क्या हैं? ओपन है, मतलब कि हाँ ये मैं मानती हूँ कि ये करंट नहीं चलाएगी, बट बैटरी तो लगेगी। इसमें एक ऐसी बैटरी है जिसके दोनों एंड क्या हैं? ओपन है। ये एक एंड हायर पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगा, एक किसकी तरह? लोअर पोटेंशियल की तरह। अगर इन दोनों को आप ज्वाइन कर दोगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ दो, तो क्या कर चलेगा? करंट चलना शुरू हो जाएगा। एक बैटरी ओपन एंड होती है, एक क्लियर होती है, क्लोज एंड होती है। अब मार्केट से खरीद तो वो क्या होती है? ओपन होती है। आइडियल बैटरी आप उसको कनेक्ट कर देते हो किसी के साथ, तो क्या होता है? दोनों एंड क्लोज हो जाते हैं। तो इसमें क्या ये एक कनेक्टिंग, हाँ, जो कनेक्ट नहीं है, जिसके दोनों एंड ओपन है, किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर रखा आपने। जब तक कनेक्ट नहीं करोगे, यानी कि करंट चलने के लिए तो क्लोज लूप चाहिए। बट उन्होंने कहा था कि इंड्यूस ईएमएफ, फैराडे ने क्या कहा था? इंड्यूस ईएमएफ ही तभी आएगा जब क्लोज लूप होगा। तो उन्होंने कहा कि इंड्यूस ईएमएफ आने के लिए क्लोज लूप की जरूरत नहीं है, हाँ करंट चलने के लिए तो क्लोज लूप होना चाहिए। तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, क्लोज लूप नहीं है तो करंट चलेगा ही नहीं। तो इसमें भी क्या होगा कि ये क्या करेगी? एक ऐसी बैटरी की तरह बिहेव करेगी ये रोड, जिसकी दोनों एंड्स क्या हैं? ओपन है। और उस बैटरी की जो डायरेक्शन होगी वो होगी वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे बैटरी लगेगी। ये हायर पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगी और ये लोअर पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगी। उन्होंने बैटरी कैसी लगेगी, कितने की बैटरी लगेगी, बी एल वी की बैटरी लगेगी, किस डायरेक्शन में लगेगी, तो वो क्या होगी? वी क्रॉस बी की। पोलैरिटी क्या होगी उसकी? वी क्रॉस बी। जिस डायरेक्शन में अंगूठा है वो पहले पॉजिटिव आएगा और फिर क्या होगा? नेगेटिव। ये आए कहाँ से? वैल्यू क्या होगी? बी एल वी। इतनी ही क्यों लगी? इसका भी हम डेरिवेशन करेंगे कि कैसे आई है। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? वी क्रॉस बी। जिस डायरेक्शन में अंगूठा है वो क्या होगी? पॉजिटिव प्लेट, फिर नेगेटिव। ये हायर पोटेंशियल होगा, ये क्या हो जाएगा? लोअर पोटेंशियल। इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो क्या चलेगा? करंट चलेगा। बैटरी की वैल्यू क्या होगी? इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा? बी एल वी। फैराडे ने क्या बताया था? क्लोज लूप होना चाहिए, और उसमें बैटरी लगेगी, कहाँ लगेगी, तो कितने लगेगी, ये तो नहीं बताया। इन्होंने क्या बताया कि क्लोज लूप होना जरूरी नहीं है, एक अगर कंडक्टिंग रोड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वी की स्पीड से मूव करवा दिया तो उसमें भी बैटरी लग सकती है, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और इसकी वैल्यू होगी बी एल वी। यानी कि बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, एल यहाँ पे इस रोड की लेंथ है, और वी क्या है? वेलोसिटी। बट इसके लिए कंडीशन है, ये बी एल वी तभी लगेगी जब बी परपेंडिकुलर टू वी, परपेंडिकुलर टू एल। तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के, परपेंडिकुलर टू एल। बी एल वी तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे तीनों क्या हैं? परपेंडिकुलर है, इधर वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेंथ क्या है पर। तीनों क्या है यहाँ पे? एंगल होना और परपेंडिकुलर होना अलग है, वो भी करेंगे किस एंगल पे होगा। तो उस केस में अगर पैरेलल हैं, मतलब ये कंडीशन नहीं है, बी एल वी कोई तीनों के तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। हाँ, तीनों के तीनों, ये नहीं है कि दो परपेंडिकुलर एक पैरेलल है। मान लो ये वी और एल तो पैरेलल है, बट वी बी के क्या है? परपेंडिकुलर। तो भी नहीं लगेगी, तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। कंडीशन इनके लिए क्या है कि बी एल और वी ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इंड्यूस ईएमएफ इन द रोड इज बी एल वी। कितनी इंड्यूस ईएमएफ आएगी? बी एल वी। ये है ट्रांसलेशनल इंड्यूस ईएमएफ। इसको क्या बोल सकते हैं? ट्रांसलेशनल इंड्यूस ईएमएफ। यानी कि अगर एक रोड है, कंडक्टिंग रोड है, अगर वी की स्पीड से ट्रांसलेट कर रही है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा कितना? बी एल वी। और ये तभी आएगा जब बी एल और वी तीनों के तीनों क्या है? एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। लिख लो इस बात को, व्हेन ए कंडक्टिंग रोड ऑफ लेंथ एल मूव विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, मूव विद ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मूव्स इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन ए कंडक्टिंग रोड ऑफ लेंथ एल मूव्स इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, व्हेन ए कंडक्टिंग रोड ऑफ लेंथ एल मूव्स इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद वेलोसिटी वी, विद वेलोसिटी वी इन सच ए वे दैट बी परपेंडिकुलर टू एल, एल परपेंडिकुलर टू बी, देन ई इंड्यूस इक्वल टू बी एल वी, देन ई इंड्यूस इक्वल टू बी एल वी। डायरेक्शन ऑफ ई इंड्यूस विल बी इन द, डायरेक्शन ऑफ ई इंड्यूस विल बी
इन द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी एंड द डायरेक्शन टू बी वी और बी परपेंडिकुलर टू ई देन ई इंड्यूज इक्वल टू बी एल वी देन ई इंड्यूज इक्वल टू बी एल वी and direction of induced EMF and the direction of induced will be in the direction of V cross B will be in the direction of V cross B. इतनी वाट लगी अभी भी क्वेश्चन है कि इतनी ही क्यों लगी और इसकी इतनी ही बैटरी क्यों लगी इसमें E induced जो है वो बी एल वी क्यों आया तो ये भी पढ़ेंगे अभी और इस एक क्वेश्चन करके दिखा दो इतने ज़्यादा इसमें इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी वैल्यू क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी नीचे लगी यूरेटी कुछ में यानी कि इसमें ई इंड्यूस तो किसके इक्वल आएगा बी एल वी के इक्वल तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो लगेगी इसमें B की वैल्यू है 10 L की वैल्यू है 4 इंटू में 2 यानी कि 80 वोल्ट की बैटरी लगेगी और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी है ऐसे लगेगी अभी भी क्वेश्चन तो है कि बैटरी लगी क्यों और बी एल वी की ही क्यों लगी उससे पहले दो क्वेश्चन और करते हैं हो गया ना उठिए ए इंड्यूस यानी कि इसमें क्या आ जाएगी बी एल वी की लगेगी बैटरी बी की वैल्यू क्या है 10 एल की वैल्यू है 4 इंटू में 4 160 वोल्ट की लगेगी पहले बात तो इसमें बैटरी तीनों परपेंडिकुलर है तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा बी एल वी का और किसकी इतनी वाली होगी 160 डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी ऐसे ऐसे लेगी अभी ये था कि ये यूज क्या होगा अभी तो टर्मिनल ओपन है इसको कनेक्ट कर दो तो क्या हो जाएगी एक बैटरी की तरफ बिहेव करेगी करंट चलाएगी इसका मान लो आपने इसकी बैटरी की वैल्यू कितनी है 160 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया आपने कितना मान लो 10 वोल्ट का क्या 10 ओम का क्या जोड़ दिया एक रेजिस्टेंस तो करंट कितना चल पड़ेगा यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 160 डिवाइड बाय में आर की वैल्यू कितनी है 10 यानी कि 16 एम्पीयर का क्या चलेगा इसमें करंट आगे समझो यानी कि एक ऐसी बैटरी की तरह बिहेव कर रही है जिसके दोनों एंड क्या है ओपन है ठीक है इसमें बताओ बैटरी लगेगी या नहीं क्यों इसमें E इंड्यूस क्या आएगा जीरो क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे क्या है
एल पैरेलल क्या है वी के, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा इसमें, जीरो। कंडीशन क्या थी कि तीनों क्या होने चाहिए परपेंडिकुलर, बट यहाँ पे एल पैरेलल है किसके, वी के, तो ई इंड्यूस क्या आएगा इसमें, जीरो के इक्वल। इसमें भी इधर, इसमें भी इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा, जीरो, क्योंकि इसमें क्या है बी पैरेलल किसके है एल के, एल पैरेलल किसके है वी के, तीनों क्या है एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो इसमें भी इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा, जीरो। यानी कि अगर पैरेलल में है तो उस केस में इंड्यूस ईएमएफ क्या आता है इसमें, जीरो के इक्वल। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको बी के, रोड है इसकी लेंथ दे रखी है एल, वेलोसिटी दे दी आपको ऊपर की तरफ, इसमें बताओ लगेगी या नहीं। क्यों, तो इसमें भी इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा, जीरो के इक्वल, क्यों एल पैरेलल है किसके, बी के, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, जीरो। तभी लगेगी जब तीनों क्या हों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे, तो ही बैटरी इंड्यूस ईएमएफ आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, बी एल वी के इक्वल। अगर कोई भी दो एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं तो उस केस में इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा इसमें, जीरो। इसमें तो क्यों ए इंड्यूस क्या होगा इसमें, जीरो, क्यों वी पैरेलल है किसके, बी के। चाहिए इन सभी केसेस में ए इंड्यूस की वैल्यू क्या आएगी, जीरो के इक्वल। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको 2 टेस्ला, कंडक्टिंग रोड है, वेलोसिटी इधर दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड के, पर्टिकल के साथ एंगल है 30 डिग्री, लेंथ दे रखी है आपको 2 मीटर। इसमें बता दो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, जीरो। जीरो क्यों होगी, आपने बोला था कि सिर्फ तब लगे जब परपेंडिकुलर। हाँ तो परपेंडिकुलर नहीं है यहाँ, यहाँ पे एल और बी परपेंडिकुलर है या नहीं है। अब देखो सबसे पहले इसके क्या लोगे आप, कर लो पहले, सबसे पहले क्या लोगे इसके कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट लो, एक इधर आ जाएगा 10 sin 30 degree यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड, और एक क्या आएगी ऊपर की तरफ 5 root 3 मीटर पर सेकेंड।
अब देखो ये तो क्या है, लेंथ के क्या है, पैरेलल है, तो इसकी वजह से तो कोई नहीं लगेगी। अब ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है या नहीं है, लेंथ और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है या नहीं है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है या नहीं, तो इस केस में तीनों परपेंडिकुलर है, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगी, इंड्यूस ईएमएफ आएगी। और कितनी आ जाएगी वो, ई इंड्यूस की वैल्यू क्या होगी, बी एल वी के इक्वल, बी की वैल्यू है 2, एल की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू क्या है 5, 20 वोल्ट की लगेगी। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ऐसे लगेगी वी क्रॉस पी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 10 टेस्ला, वेलोसिटी है 10√3 मीटर पर सेकेंड, एंगल दे रखा आपको कितना 60 डिग्री के साथ, लेंथ कितनी है इसकी 2 मीटर, इसमें इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बता दो, फाइंड ई इंड्यूस। √3 देखो इसमें सबसे पहले तो इसके कंपोनेंट लोगे, क्या लोगे इसके कंपोनेंट, एक इधर आएगा और एक ये क्या आ जाएगा 10√3 cos 60 degree, cos 60 degree 1/2, तो यानी कि 5√3, ये कितनी आ जाएगी 10√3 इंटू में √3/2, तो 15। अब मेरे को ये बताओ कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है या नहीं, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है या नहीं, एल और बी, लेंथ और बी परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, परपेंडिकुलर है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये इसके प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में, तो परपेंडिकुलर चाहिए, वो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो किसी भी तरीके से हो परपेंडिकुलर तो है क्योंकि ये तो प्लेन में है और वो क्या है अंदर की तरफ है, तो परपेंडिकुलर है बी और एल। अगर हम लेंथ को इधर और सीधा, हाँ तो ऐसे रख दो, लेंथ इधर, मैग्नेटिक फील्ड क्या है अंदर, परपेंडिकुलर होंगी, चाहे ऐसे रखी हो चाहे ऐसी रखी हो, ऐसी हो ऐसे हो ऐसे हो किसी भी तरीके से रखी हो, अगर आपने फिर ऐसे कर दी तो फिर इस केस में इधर ही वेलोसिटी हो जाएगी, इधर ही क्या हो जाएगी लेंथ हो जाएगी, तो फिर तो लगेगी नहीं बैटरी, फिर आपने तो क्या दे दी वही सेम जो पीछे केस करे थे उसमें से एक आ गया कि इधर ही वेलोसिटी इधर ही लेंथ है, तो फिर लगेगी नहीं, एल और वी क्या है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, मान लो ये वाला केस है इसमें, इस केस में फिर आप ऐसे ही कह रहे हो कि इस केस में यही बात होगी, फिर तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आ जाएगा उसमें 0, इसमें अलग है,
इसमें लेंथ और मैंने पूछा था कि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है नहीं है, है चाहे रोड ऐसे रखी हो चाहे ऐसे रखी हो चाहे ऐसे रखी हो चाहे ऐसे रखी हो, परपेंडिकुलर है क्योंकि ये तो प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है अंदर की तरफ है। क्यों होगा 60 डिग्री गिवन है आपको, ऐसे रोड रखी हुई है वेलोसिटी इधर है ये एंगल 60 डिग्री है। तो लेंथ के साथ तो एंगल 90 डिग्री है। अब लेंथ तो इधर, वेलोसिटी इधर, ये एंगल कितना है? ये वाली, इसके तो कंपोनेंट ले चुके तो इसको तो भूल जाओ अब। इसके 10√3 के कंपोनेंट लिए हैं जो जनरल क्वेश्चन के अंदर रखा था, 10√3 वेलोसिटी दे रखी है, एंगल कितना दे रखा है रोड के साथ 60 डिग्री एंगल, तो उस केस में सीधा जो आप कर ही नहीं सकते। इस केस में बहुत कंप्लीट पहले कंपोनेंट लेने पड़ेंगे आपको, पहले क्या लोगे कंपोनेंट लोगे, तो उस केस में कंपोनेंट लेके एक 15 आ गया, क्या आ गया आपके पास 5√3। एल और बी दो परपेंडिकुलर है ही, वेलोसिटी ये नहीं पता लगे था परपेंडिकुलर है या नहीं है कि कितना एंगल है, तो वो अलग तरीके से सॉल्व होता फिर अगर विदाउट कंपोनेंट लोगे तो। तो इस केस में ये तो क्या होगी, एल के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर, बट ये क्या है 5√3, एल के क्या है पैरेलल है, तो इसकी वजह से तो इंड्यूसिंग एफ आएगा नहीं, जो आएगा इसकी वजह से आएगा। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी बी एल वी, बी की वैल्यू क्या है 10, एल की वैल्यू क्या है 2 और वी की वैल्यू क्या है 15, 300 वोल्ट। आगे समझो, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी वी क्रॉस बी, ऐसे लगेगी बैटरी। एनी डाउट? पर क्वेश्चन तो अभी भी वो दो ही हैं कि बी एल वी क्यों लगी, बैटरी लगी क्यों और बी एल वी की ही क्यों लगी, तो वो भी करेंगे पहले एक दो क्वेश्चन और करेंगे ताकि माइंड में सेट हो जाए कि अगर आपको ये पूछ लिया कि प्योर ट्रांसलेशन मोशन में इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा तो आप तुरंत बता सकते हो बी एल वी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ प्योर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, तो वो क्या आएगी बी एल वी, क्योंकि ये सब चल रही है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है एक क्वेश्चन और करते हो, हाफ रिंग दे रखी है आपको, क्या दे रखी है हाफ रिंग, मतलब हाफ कंडक्टिंग रिंग है ये, मतलब एक प्रकार से रोड है, रोड की शेप चेंज नहीं हो सकती, जो दे दी वो दे दी। मान लो कि जो आप ये पहनते हो हाथ में इसको हाफ कट कर रखा है, ठीक है ये क्या है एक हाफ कंडक्टिंग रिंग है, हाफ सर्कुलर रोड बोल दो इसको, चाहिए क्या है हाफ सर्कुलर रोड। या फिर हाफ रिंग बोल दो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दे रखी है आपको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, बी की मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको, रेडियस है इसका आर, रेडियस क्या है आर, इसमें वैल्यू बताने ई इंड्यूस की वैल्यू क्या होगी। देखो अभी तक इन्होंने जो बताया वो उसके लिए क्या होनी चाहिए स्ट्रेट रोड होनी चाहिए, तो ये कितनी लगेगी बी एल वी की लगेगी। इसके लिए एक शॉर्टकट है, इसमें इन दोनों एंड्स को क्या कर दो ज्वाइन कर दो, एक रोड घर से लगा दो दोनों एंड्स के अक्रॉस, यहाँ पे क्या लगा दो एक रोड लगा दो, लगा दी इसकी रेडियस आर और ये भी क्या होगी आर। अब इस केस में ये वेलोसिटी दे रखी थी इधर, ये रिंग इधर मूव कर रही थी वी की स्पीड से, तो इस जो आपने एक रोड लगाई है घर से इसमें बैटरी किधर लगेगी, कितने की बैटरी लग जाएगी इसमें ई इंड्यूस की बी एल वी, वही लगेगा बी की वैल्यू, बी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2R और वी की वैल्यू क्या है वी,
तो 2BRB इतने की बैटरी लगेगी, जितने इसमें लगेगी उतने क्या लगेगी इस रिंग में, इसमें बैटरी जो लगेगी ऐसे लगेगी। तो इसको हटा के आप लिख सकते हो कि इसमें, इसको हटा दो, रिमूव कर दो, इसमें बैटरी लग जाएगी इधर, और कितने की लगेगी वो 2BRB की। यानी कि इसको शॉर्टकट है कि अगर आपको स्ट्रेट रोड ना देके कोई हाफ रिंग दे दिया, फिर अलग से कुछ दे दिया, तो उस केस में इंड्यूस ईएमएफ पूछेगी कितनी आएगी। तो उस केस में क्या कर दो, अब इन दोनों एंड्स को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, एक रोड लगा दो स्ट्रेट रोड। इस स्ट्रेट रोड में जितना इंड्यूस ईएमएफ की बैटरी लगेगी वही क्या लगेगी इसमें रिंग में लगेगी, क्योंकि रिंग की अगर छोटे छोटे पीस करके देखोगे तो डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी। इसको करने का शॉर्टकट अगर प्रॉपर तरीके से करोगे तो फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बहुत लंबा है, उससे भी आंसर यही आएगा 2BRV। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है बी की, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे रखी है बी, इसमें बता दो ई इंड्यूस, वेलोसिटी इधर दे रखी है, इधर मूव कर रही है ये, अंदर की तरफ क्या दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, दो रोड हैं, एंगल क्या दे रखा है 30 डिग्री और 30 डिग्री लेंथ है इन दोनों रोड्स की, LL इंड्यूस्ड नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ तानिया रूट 3LVB। देखो इन दोनों एंड्स को क्या कर दो, आप ज्वाइन कर दो, क्या कर दो इन दोनों को ज्वाइन, यहाँ पे एक रोड लगा दो, ये लेंथ L है तो ये क्या हो जाएगी L cos 30 डिग्री और ये क्या होगी L sin 30 डिग्री, तो यानी कि L by 2 यहाँ से लेके यहाँ तक सेम, इसमें ये L है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये L cos 30 और ये क्या हो जाएगी L sin 30, यानी कि ये भी क्या हो जाएगी L by 2। तो इस जो रोड आपने लगाई है इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, ई इंड्यूस की वैल्यू क्या होगी BLV, बी की वैल्यू बी है, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी एल और वी की वैल्यू वी, तो इतनी आ जाएगी इंड्यूस ईएमएफ BLV। तो इस बैटरी में जो यहाँ पे लगा दो कितनी लग जाएगी V×B BLV की बैटरी लग जाएगी, पूरे में इतनी ही लगेगी नेट बैटरी होगी BLV की। एनी डाउट, कुछ आउट है पूछ लो, आई गेस मैं आप देखो क्वेश्चन वही था BLV की क्यों लगी, बैटरी आई कहाँ से, वो करते हैं क्यों लगी, इसका प्रूफ कंसेप्चुअल है इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको बी के अंदर की तरफ, इसमें जरूरी नहीं है हमेशा अंदर की तरफ मिलेगी, बाहर की तरफ भी मिल सकती है, बी दे रख, यहाँ पे कंडक्टिंग रोड रखी हुई है, अब मेरे को ये बताओ कि इस केस में ये क्या है कंडक्टिंग रोड है, वी की वेलोसिटी दे रखी है इस डायरेक्शन में, लेंथ है इसकी एल,
इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? क्वेश्चन ये है, कंडक्टिंग रोड है, इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? यानी कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है और बहुत ज्यादा क्या इसमें नेगेटिव चार्ज है, यानी कि मेटल उसमें ओवरऑल न्यूट्रल का मतलब होता है जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, चार्जलेस का मतलब होता है कि चार्ज ही नहीं है, ये क्या है न्यूट्रल थी, तो यानी कि जितने पॉजिटिव हैं उतने ही क्या इसमें नेगेटिव है, यानी कि जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, मेटल हो गया, आयरन हो गया या फिर कोई भी सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, सारी चीज़ें, तो इस केस में इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही क्या है नेगेटिव चार्ज है, तो इस केस में इसके छोटे छोटे पीस करके सोचो, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है इसमें बहुत ज़्यादा, तो उस केस में उस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा, यानी कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वी क्रॉस बी, एक पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में लगता है, तो वी क्रॉस बी ऊपर की तरफ, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे कि नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे सारे के सारे, सारे ही नहीं कुछ पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे उधर सिर्फ इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उनके ऊपर फोर्स लगेगा, यहाँ पे कोने में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, बस यहीं तक आएंगे। नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा वी क्रॉस बी के अपोजिट में, तो नेगेटिव फोर्स चार्ज जो है यहाँ पे इकट्ठे होंगे, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, इधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज, तो अंदर ही अंदर ये एक हायर पोटेंशियल की तरफ बिहेव करेगी और ये लोअर पोटेंशियल, तो अंदर ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी कि नहीं, हायर टू लोअर, अंदर ही अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट हो जाएगी ऐसे, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या होगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे एक और फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, नीचे की तरफ इन पे लगेगा, इधर ही कितना लगेगा क्यू ई का, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा एक क्यू ई का, क्योंकि यहाँ पे जितने पॉजिटिव चार्ज हैं तो यानी एफ ई, मान लो क्या लग जाएगा इस पे एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स, ऊपर क्या लग रहा है इस पे मैग्नेटिक फोर्स। एक ऐसी स्टेट जरूर आएगी कि जिसमें यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो इक्वल हो जाएगा किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स के, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। यहाँ पे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि जितने सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठे हो गए, सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठे हो गए, तो बीच में चार्ज ही नहीं है, तो जितने भी हैं सारे के सारे इकट्ठे नहीं होते, एक लिमिट तक ही इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे चार्ज बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो एक लिमिट तक ही यहाँ पे चार्ज इकट्ठे होते हैं कि जहाँ तक मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाए किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स के, उसके बाद चार्ज जाना बंद हो जाते हैं, उस स्टेट को बोलते हैं स्टडी स्टेट। एक ऐसी स्टेट जिसमें चार्ज मूव करना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाता है किसके, मैग्नेटिक फोर्स के, यहाँ पे लिमिट तक ही चार्ज आते हैं, सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठे नहीं होते, जितने ही इकट्ठे होते हैं कि जिस टाइम तक मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल हो जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स के, क्योंकि चार्ज बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ेगा, चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही है स्ट्रॉन्ग हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ रहा है, तो वो इतने टाइम तक ही बढ़ेगा कि मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल हो जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स के, तो उस स्टेट को बोलते हैं एट स्टडी स्टेट। क्या बोलोगे इसके, एट स्टडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाता है किसके, एफ, मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, क्यू वी बी, चार्ज क्यू मान लो, वेलोसिटी बी है मैग्नेटिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा क्यू ई के इक्वल, तो क्यू वी बी इक्वल क्या हो जाएगा क्यू ई के, तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या हो जाएगी वी बी के इक्वल, ई की वैल्यू किसके इक्वल होगी वी बी के इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आएगी वी एन टू बी के इक्वल आएगी। अब दूसरी ये बताओ कि यहाँ पे ये एक हायर पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगी और किसकी तरह बिहेव करेगी, लोअर पोटेंशियल की तरह। मान लो ये ए पॉइंट है, ये क्या है बी पॉइंट है, तो यहाँ पे बैटरी लग जाएगी, एक बैटरी कितने की लगेगी यहाँ पे, यानी कि ये एक हायर पोटेंशियल और ये क्या होगा लोअर पोटेंशियल, तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, दो एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ई इंटू एल का हो जाएगा, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो चार जगह हो तो
पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, E इंटू एल जो पढ़ा था कि अगर दो पॉइंट है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, E इंटू एल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेंथ क्या है रोड की, L है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, E इंटू एल का, यानी कि वी ए माइनस वी बी की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, ई एल के इक्वल, यानी कि डेल्टा वी की वैल्यू किसके इक्वल है, ई एल के इक्वल। ये क्या है, सेकेंड इक्वेशन। ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो VB के इक्वल, तो डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी, VBL, यानी कि BLV, यही डेल्टा V ही क्या है यहाँ पे, इंड्यूस्ड EMF है, BLV के इक्वल। क्योंकि अगर दो पॉइंट टर्मिनल ये बैटरी की तरह बिहेव कर रही है तो बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, जो उसकी EMF होती है, तो इन दोनों एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, BLV का, यही क्या इसमें इंड्यूस्ड EMF, इतने की बैटरी लगती है BLV की। तो क्यों लगती है और इतनी ही क्यों लगती है, समझ आ गया, यानी कि जब एक कंडक्टिंग रोड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वी से आप मूव करवाते हो तो उसमें बैटरी लगती है, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज, और एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, और एक ऐसी स्टेट आती है जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाता है किसके, मैग्नेटिक फोर्स के, तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, वीबी के इक्वल, यानी अंदर ही अंदर क्या होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, तो दोनों एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है ई इंटू एल के, और ई की वैल्यू क्या होती है, वीबी के इक्वल, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, बीएलवी के इक्वल, तो बैटरी क्या होगी यहाँ पे, बीएलवी, यानी कि एक हायर पोटेंशियल है एक लोअर पोटेंशियल है, उन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है बीएलवी का, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा इसमें, बीएलवी, और एक ऐसी बैटरी की तरह बिहेव करेगी जो करंट अभी नहीं चला रही, जिसके दोनों एंड क्या हैं, ओपन है। ये था अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक रोड को क्या करा दिया आपने, ट्रांसलेट करा दिया, तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है और उसकी वैल्यू होती है बीएलवी। अगर कोई पूछे व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, तो आप कहोगे बीएलवी। बी मैग्नेटिक फील्ड है, एल क्या है, लेंथ है, और वी वेलोसिटी है, और ये तभी आती है जब बी परपेंडिकुलर टू एल, एल परपेंडिकुलर टू वी। एनी डाउट? इसी में, इसी के भी मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ के भी दो पार्ट हैं। ये था ट्रांसलेशनल मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक है रोटेशनल मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये समझ आ गया? सेकेंड अभी करने की बात।